फीडबैक मुझे मिला है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? एनीबडी कैन ब्रीफ मी? कोई बच्चा बताएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने में? कोई नहीं बताएगा बेटा, एक मिनट आके जरा माइक पे बोलिए। आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है मुझे प्रॉपर। साइन कन्वेंशन एंड में प्रॉब्लम एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ठीक है, यही दो चीजें है ना, मतलब बिकॉज आई हैव गॉट दिस फीडबैक। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर थिंग्स विच इज नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों प्लीज, ठीक है, टेल मी ओपनली, सर राइट। चलिए सबसे पहले ना हम दो तीन चीजें बात करते हैं। हैव यू गॉट द असाइनमेंट बच्चों? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए, जब आप वेदर यू आर टेकिंग मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, क्या होता है बच्चों मिरर फार्मूला? क्या ये होता है बच्चों? यस। यस एंड व्हाट इज लेंस फार्मूला? माय बेटा सबको मीनिंग पता है वी यू एफ के मीनिंग्स क्या क्या है, राइट? क्लियर है ना यहां तक? तो दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर? माइनस वी अपॉन यू। एंड मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंसेस? यस वी अपॉन यू। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट? राइट। So, बच्चों अब आप देखेंगे तो ये जो है, दिस विल बी फॉर्मिंग अ लीनियर इक्वेशन। जब भी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होता है बेटा, देर आर थ्री थिंग्स, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस और मिरर, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। देर आर थ्री थिंग्स। आपको यहां से कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देर शुड बी टू वैल्यूज, देन यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वैल्यू, यस और नो? सो दैट मीन इट बिकम्स एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सपोज कीजिए आपको एफ गिवन है, लेट से एफ गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड यू इज -20 सेंटीमीटर, तो कैन यू फाइंड वी? अब आपने यहां पे एफ और यू की वैल्यू पुट कर दी बच्चे, सो देन योर इक्वेशन टर्न्ड आउट टू बी ए लीनियर इक्वेशन। यहां तक तो कोई डाउट बच्चों? इज दिस क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। अब करना क्या है बेटा, देखिए यहां पे जो आपके पास इक्वेशन फॉर्म हुई है, दैट इज इन रेसिप्रोकल्स, यस और नो? तो यहां पे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ट्रांसपोजिशन ही करनी है। यू हैव टू शिफ्ट दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड, राइट? कैसे करेंगे बेटा, देखो जरा। इट क्लियर, यस और नो? यस बड़ा सिंपल है बेटा, इनका एलसीएम ले लीजिए जी। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 25 एंड 20? 25 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? हंड्रेड, यस और नो? सो बच्चे यहां पे आ जाएगा 4 एंड हेयर, सो यू गॉट, सो आपके पास वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 अपॉन 9 सेंटीमीटर।
तो ये सॉल्यूशन पार्ट हो गया बेटा, राइट। सो मेन प्रॉब्लम आपको कहां पे आ रही है, साइन कन्वेंशंस में, यस ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है ना आप सबको, यू नो व्हाट इज ए कार्टेशियन प्लेन। हाँ जी बच्चों, वेदर यू आर टेकिंग अ लेंस और ए मिरर, कॉन्सेप्ट इज सेम, राइट। आप चाहे मिरर लो या लेंस लो, इट रिमेन्स द सेम थिंग बच्चे। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन ओरिजन। वेदर यू आर टेकिंग मिरर, जब आप मिरर ले रहे हैं बेटा, तो दिस पॉइंट बिकम्स द पोल। पोल ये बच्चे पोल बन गया। सिंपल सी चीज है बेटा, रे डायग्राम यू नो हाउ टू मेक। यस मैं अगर एक सिंपल रे डायग्राम बनाता हूं बेटा, लेट्स से दिस इज एफ, दिस इज सी। आई हैव ड्रॉन ए रे डायग्राम, व्हाट विल हैपन, इज इट क्लियर जी। नाउ सेकेंड रे, सेकेंड रे क्या होगी बेटा, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड इमेज इज फॉर्म हेयर। दिस डायग्राम इज करेक्ट, दिस डायग्राम इज करेक्ट और नॉट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट देखिए बेटा, कलर जस्ट, व्हाट इज दिस डिस्टेंस बेटा, ये कलर नजर आ रहा है आपको, यस ये कौन सा डिस्टेंस है बेटा, फोकल ओवर लेंथ, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस दैट इज यू। नाउ लुक इट केयरफुली बेटा, ऑल द थ्री डिस्टेंसेस दे लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं बेटा, ऑल द थ्री थिंग्स आर ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। नाउ व्हेन दे आर ऑन द लेफ्ट साइड, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव टर्म लेते हो नेगेटिव लेते हो, लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव टर्म्स होती है ना, यस तो यहां पे एफ का साइन क्या होगा नेगेटिव बेटा, यू एंड वी। अब आप कुछ फाइन पॉइंट्स नोट कीजिए बेटा, फाइन पॉइंट्स क्या क्या है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, U is always negative. U is always negative, irrespective of the lens, irrespective of the mirror. Whatever the case be, you will always be. Can Negative. you tell me why? Because बेटा, because object जो होता है, that is always in front. और ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, राइट, दैट इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन, नेगेटिव साइड ऑफ द ओरिजिन। इज दिस क्लियर, यस और नो। देन अब एफ, एफ के बारे में आ जाइए बच्चे। एफ जो होता है, वेदर इट इज कनकेव लेंस और कनकेव मिरर, कनकेव वेदर इट इज लेंस और मिरर, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। आप लेंस ले रहे हो या मिरर ले रहे हो, कंकेव अगर है तो आपकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, कन्वेक्स के केस में ऑलवेज पॉजिटिव, वेदर इट इज लेंस और मिरर। इज इट क्लियर। अब दो चीजें तो फिक्स हो गई ना हमारे पास बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स,
चीज समझ आ गई बेटा आप लोगों को? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बेटा, यस नो समथिंग, सम क्वेश्चन, सम डाउट्स, एनीथिंग यू शुड कम अप। बेटा देखिए, तीन चीजें हैं हमारे पास, तीन में से दो के साइन तो आपको क्वेश्चन रीड करके समझ आ जाएगा। इफ यू गो टू नो कि विच इज द लेंस और द मिरर, आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यू सही हमेशा नेगेटिव है, आप कोई भी केस ले रहे हैं, राइट और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? राइट। अब आ जाता है सवाल वी का, वी का साइन कैसे पता करें। देखिए वी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लेंसेस, फॉर लेंस। देखिए बच्चे, लेंस के सारे रे डायग्राम्स बनाने आते हैं आपको। अरे अब और कंकेव लेंस, कंकेव लेंस के केस में वी इज ऑलवेज नेगेटिव। बच्चे वी हमेशा नेगेटिव होता है ना कंकेव के केस में, यस यस और नो? यस राइट। और कंकेव मिरर के केस में बेटा, पॉजिटिव हाँ जी, कंकेव मिरर का डायग्राम बनाना आता है? देखिए बेटा ये कंकेव मिरर बन गया आपका, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये कन्वेक्स मिरर बन गया। कंकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता बेटा, वी इज ऑलवेज अरे पॉजिटिव। ये देखिए बेटा, हम कन्वेक्स मिरर जब बना रहे हैं, यहां से क्या होता है, रे आई डाइवर्ज हो गई बेटा, तो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, सो इट इज ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड। यस तो फॉर कन्वेक्स मिरर वी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है जी। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द साइंस फॉर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर। दोनों के रे डायग्राम सेम होते हैं बेटा। आप कन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स बनाते हैं और कनकेव मिरर एकदम सेम होते हैं बेटा सारे केसेस। यहां पे भी सिक्स केसेस होते हैं और यहां पे भी, इज क्लियर? अब जो फर्स्ट फाइव केसेस होते हैं बेटा, फर्स्ट फाइव केसेस, इन सब में क्या होता है, इमेज जो होती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी इमेज, देन वी इज ऑलवेज, वी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और लास्ट वाला जो केस होता है उसमें क्या होता है, वी इज ऑलवेज, लास्ट वाला केस कौन सा होता है बेटा, व्हाट इज द सिक्स्थ केस इन द कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फर्स्ट फोकस, राइट? सो इमेज कहां फॉर्म होती है बेटा उस केस में, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन? नहीं समझ आ रहा, देखिए बेटा,
वेन द ऑब्जेक्ट इज हियर, क्या होगा यहां से बेटा? डाइवर्जेंस। दिस इज क्लियर, यस और नो बच्चों? हाँ जी, कन्वर्जिंग। सॉरी, अच्छा सॉरी, मैंने डाइवर्ज बना दिया, सॉरी सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। यहां से आपका बेटा डाइवर्ज हो गई। दूसरी जो है रे, दैट विल पास थ्रू द, एंड इनको जब आप बैक प्रोड्यूस करेंगे तो दे विल मीट समवेयर एयर। इज क्लियर? सो इमेज इज ऑन विच साइड? इमेज किस तरफ आई है बेटा? नेगेटिव साइड। बेटा फ्रंट बेंच वाले स्टूडेंट सेक्शन बी में, सेंटर वाले स्टूडेंट आ जाइए जरा माइक। नहीं हाँ, आपको आपको बोल रहा हूँ बेटा, जो बिल्कुल बीच में मेरे लेफ्ट साइड पे फ्रंट बेंच। हाँ आप आ जाइए। नहीं, बेटा आप प्लीज सिट डाउन, दैट बॉय आई एम आस्किंग। हाँ जी बच्चे, क्या क्लियर हो रहा है बेटा, कुछ बताएंगे मुझे जरा, यस सर, क्या क्या क्लियर है? हैव यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम और नॉट? यस सर। क्या 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 समझ आया बेटा इसमें? सर जो कन्वेक्स लेंस का सिक्स्थ केस होता है उसमें जो वी नेगेटिव होता है क्योंकि जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड को बनती है और वर्चुअल होती है। राइट, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस? फोकल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर मैंने साइन पूछा है बेटा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड, है ना? देखते हैं, हमने नेगेटिव बोली थी, पॉजिटिव बोली थी बेटा। क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी? हाँ जी बताई थी मैंने, आगे बताई थी आपको, जैसे वी पॉजिटिव, पॉजिटिव बताई थी, फिर यस सर। आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको बताई नहीं बेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताई है मैंने, मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है। हाँ जी, ये हैगी है ना फोकल लेंथ, कंकेव लेंस और मिरर दोनों केस में नेगेटिव, कन्वेक्स पॉजिटिव, वेदर इट इज मिरर और लेंस। ठीक है बेटा, यस प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट्स हो बेटा? इज दिस क्लियर? यस साइन कन्वेंशन, कोई चीज ना समझ आई तो प्लीज आस्क। हैव यू गॉट द असाइनमेंट बच्चों? अच्छा देखिए, असाइनमेंट में आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है बेटा इन सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, आई हैव गिवन सम क्वेश्चन ऑन द लीनियर इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन, एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन लाइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स माइनस फाइव अपॉन टू माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू 1/2, राइट बच्चों? सो हेयर द इक्वेशन इज इन द रैशनल नंबर्स, तो रैशनल पार्ट्स है बेटा, एक्स माइनस फाइव अपॉन टू इट इज ऑल्सो रैशनल, एंड एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव इज ऑल्सो रैशनल। बट द फर्स्ट लिसन केयरफुली, फर्स्ट लिसन केयरफुली, नोबडी विल सॉल्व इट। द इन दिस इक्वेशन बच्चे वी हैव वेरिएबल्स ऑन वन साइड, यस और नो? यस तो फर्स्ट स्टेप इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर,
फर्स्ट टेक वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट ऑन अदर साइड एंड लकीली फॉर यू इन दिस क्वेश्चन ऑल द वेरिएबल्स आर गिवन इन ऑन लेफ्ट साइड राइट. सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू सिंस इट इज इन फ्रैक्शन यू विल टेक द एलसीएम. इज इट क्लियर? फर्स्ट टेक द एलसीएम. व्हाट विल बी द एलसीएम? बोलो बच्चों एलसीएम कितना आ रहा है देख के पता चल रहा है. यहां तो 10 आ रहा है बच्चों. नाउ व्हाट वी विल डू यू विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 5. अब मैं आपको ये भी बता देता हूं आप कहां पे मिस्टेक करेंगे. व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ तो मैं अभी आपको बता देता हूं कहां पे प्रॉब्लम आएगी. बच्चे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस टर्म को तो आप क्या लिखेंगे? -2x -6. ये मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में. समझ में आई मिस्टेक आपको या नहीं आई बच्चों? नहीं आई बेटा. क्या है कि दिस माइनस साइन इज देयर ना ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट्स. अदरवाइज आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई किया -2x -6. या तो ये मिस्टेक हो सकती है और दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है. हम जनरली क्या करते हैं जो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना विल ओनली मल्टीप्लाई एक्स नॉट द 3. ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है. कितने लोग करते हैं ये वाली मिस्टेक? हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड बी ऑनेस्ट. झूठ नहीं बोलना है बेटा. करते हो आप लोग या नहीं करते हो? जो करते हैं प्लीज रेज योर हैंड. उनके लिए चॉकलेट है इनाम में आज. हाँ जी किसी को चॉकलेट नहीं चाहिए अभी फास्ट चल रहे हैं सबके है ना. चलो ठीक है बेटा. इज दिस क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय इज दिस क्लियर. नाउ विल सॉल्व दिस 5x -25 आगे सॉल्व हो जाएगा बच्चों. हाँ जी आगे जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए बेटा. एक्स इज इक्वल टू आवाज नहीं आ रही बेटा. 8 3x -19 इसके बाद बेटा हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन राइट. इक्वल टू 10 देन अगेन ट्रांसपोजिशनिंग टेक द कॉन्स्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड एक्स इज इक्वल टू 48 बाय दैट इज 8. ठीक है बच्चों सबका 8 आ गया? यस और नो? व्हाट यू कैन डू बेटा लीनियर इक्वेशन की एक क्या ब्यूटी है बेटा. आपने जो आंसर निकाला ना वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट यू कैन चेक दिस. हाउ यू कैन चेक दिस? अब जो वैल्यू आ गई बेटा यहां पे रिप्लेस कर दीजिए. 8 -5 8 -5 3 और यहां पे कितना आएगा? 8 -3 5/5 दैट इज 1. सो आंसर इज सो दोनों साइड इक्वल आ गए बेटा. बोथ साइड्स आर इक्वल दैट मीन योर आंसर इज
करेक्ट, ठीक है बेटा, यस और नो? चलिए असाइनमेंट है आप लोगों के पास, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए जरा मुझे। हाँ जी, हो गया बच्चों। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, वेरिएबल्स आर ऑन बोथ द साइड्स, नो डिस्कशन, सेक्शन बी, प्लीज स्टॉप डिस्कसिंग फ्रंट बेंच। टी इज इक्वल टू टू, 1 माइनस 2 टू जा 4 प्लस 3 7। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया जी। राइट स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी कीजिए बेटा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन फ्रॉम सेक्शन ए, हाउ मेनी स्टूडेंट डन? 1 2 ओनली, प्लीज डू अदर्स ऑल्सो।
देखिए बच्चों हाउ टू डू दिस। अब देखिए यहाँ पे बेटा आपके पास वेरिएबल इज देयर, एवरीवन लुक एट द बोर्ड प्लीज। जिन लोगों ने कर लिया वो भी, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज, दो स्टूडेंट आल्सो हैव अ लुक एट द बोर्ड। नाउ स्टॉप राइटिंग। बच्चे देखिए दोनों तरफ वेरिएबल है, सो हेयर टू वेरिएबल्स आर देयर, थर्ड वेरिएबल इज हेयर, तो टेक दिस वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज माइनस टी, व्हेन यू ट्रांसपोज इट इट विल बिकम प्लस टी इक्वल टू। नाउ टेक द एलसीएम ऑन द लेफ्ट साइड, व्हाट विल बी द एलसीएम बच्चों? 12, सो मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 3 माइनस प्लस। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन बच्चों। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, इज द स्टेप क्लियर? यस और नो? चलिए आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 3 3 9, 90 माइनस 6 माइनस 18 माइनस 12 प्लस 12t अपॉन 12 इज इक्वल टू। इज दिस क्लियर बच्चों? सॉल्व करके कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 13t। देखिए 9 माइनस 8 1, 1 प्लस 12 13, सो इट इज 13t माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 39t माइनस 54 इक्वल टू 39t इज इक्वल टू 39t इक्वल टू 78 एंड t इज इक्वल टू 2, राइट जी? यस और नो? इज दिस क्लियर बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर? आंसर कितना आ गया? 2। अब आप चेक भी कर सकते हैं बेटा यहां पे, चेक करें इसका आंसर। यस स्टूडेंट्स, देखिए चेक कर लेते हैं हम इसको कि वेदर आर आंसर इज करेक्ट और नॉट। देखिए जब आपने टी के प्लेस पे 2 पुट किया, 3 2 6 माइनस 2, 4 अपॉन 4 माइनस 2 2 4, 4 प्लस 3 राइट, एंड इफ यू टेक टी ऑन दिस साइड आल्सो प्लस सो वी कैन चेक आउट दिस, 1 प्लस 2 3 माइनस 7 बाय 3, 3 3 3 9 माइनस 7, तो 2 बाय 3 इक्वल टू। इज दिस क्लियर बच्चों? सेटिस्फाई कर रहे हैं आंसर को बेटा, टी की वैल्यू 2? यस और नो? राइट। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलिए अभी सारे बच्चे काम कीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। नाउ प्लीज ट्राई द क्वेश्चन नंबर 5।
मैम दे हैव सम डाउट, दे कैन आस्क मी, प्लीज आस्क द डाउट्स बच्चे, इफ यू हैव डाउट्स फील गुड फ्री। मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम। सर देर इज अ डाउट इन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यस मैम, एक्स, एक्स एक्स. एक्स इज देयर। यस मैम, सर कैन यू, इट इज ओनली एक्स माइनस फोर, ओके 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 थैंक यू सर. राइट? क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज डू द स्टूडेंट्स, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, एनीवन? यस बेटा, एनीवन वांट टू आस्क द क्वेश्चन? हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी, एनी वन कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी बच्चों, हो गया।
हो गया बेटा, चले आगे। हाउ मैनी ऑफ यू हैव डन इट? प्लीज रेज योर हैंड बच्चों। नन ऑफ यू। देखिए बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जस्ट हैव ए लुक। एवरीबडी स्टॉप राइटिंग बेटा, प्लीज लुक एट द बोर्ड्स। सी, कैन वी राइट दिस एज, इज दिस स्टेप क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? एंड नाउ टेक द एलसीएम हियर। इज इट क्लियर? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बेटा। यस नो एनीथिंग, नीदर यू हैव डन द क्वेश्चन नॉर यू आर रिस्पॉन्डिंग। अच्छा प्लीज टेल मी वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट। सर तो अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा? ये देखिए सेक्शन ए के अंदर जो लेफ्ट से सेकंड रो है ना बेटा, इसमें गर्ल के बाद एक गैप है, उसके बाद एक बच्चा है, वो आगे आ जा रहा। हाँ जी हाँ जी, आ जाए बेटा, आ जाए, माइक के पास आ जाइए बेटा, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसमें हम। यस टेल मी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसको किससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अभी बेटा? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है तो रिमेम्बर वन थिंग, वी शैल हैव द टर्म्स इन दिस फॉर्म, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑन द लेफ्ट साइड, उससे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। सिट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन बी से सेंटर वाली लाइन में थर्ड बेंच पे दो बॉयज बैठे हैं, दोनों आ जाएं। आ जाओ बेटा। हाँ जी, हो गया बेटा क्वेश्चन आपका, सर हाफ हाफ हुआ है। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे? एक्स सर, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स सर, बाद में प्लस वन इक्वल टू, बेटा बोलो तो, पूरा तो बोलो ना, आप क्या बोल रहे हो? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स सर। बाकी टर्म्स कहाँ गई, ये वाली और ये वाली जी, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये कहाँ गए? नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, आपने क्या किया बेटा? सर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बेटा मैंने अभी पहले स्टूडेंट को बताया कि अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, उसके लिए क्या बुक करना है। तो आप क्लास में प्रेजेंट हो, मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो? व्हेन आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम, कांट यू टेल दिस थिंग टू मी? नो सर। यस सर, हाँ जी, आप क्या करेंगे बताइए, आप जरा क्या करना है? यस कम अप। गो बैक। देखिए बच्चों क्या करना है अभी, इसके बाद क्या करो बेटा, ये कैंसिल कर दो यहाँ पे फाइल, कर दिया जी। सो नाउ एंड टेक द एलसीएम ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस बिकम्स 15x। पुट दीज टू टर्म्स इन ब्रैकेट, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, राइट? जनरली क्या होता है, साइन की मिस्टेक होती है, यू विल राइट हेयर माइनस एक्स प्लस वन, दैट विल बी रॉन्ग, एंड वट यू गॉट हेयर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? यस नाउ सॉल्व द न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट साइड।
इज दिस स्टेप क्लियर बच्चे? जब मैंने टाइम दिया आप लोगों को करने का, तब लोग आप लोगों ने किया नहीं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, तो आप लोग अभी अपनी नोटबुक में घुसे हुए हो। बेटा जब करने का टाइम दिया गया है तब आप लोगों ने नहीं किया, अब आप ट्राई कर रहे हो, ना अब आपको समझ आएगा ना ही आप कर पाओगे। एक्सक्यूज मी मैम, इन सेक्शन ए मैम, प्लीज लेट देम कॉन्सेंट्रेट हेयर। सर एक्चुअली शी हैज डन, सो आई वाज जस्ट चेकिंग हर कैलकुलेशन, सॉरी ओके मैम, फॉर इंटरप्शन। राइट। सो नाउ स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व द न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट साइड। चलिए क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बताइए जरा। 15x - x इज, सो इट विल बी 14x - 1/3 इक्वल टू, इज दिस क्लियर? आप क्या करेंगे हम बेटा? नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज दिस इज वन टर्म, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी फॉर्म आ गई बेटा, न्यू क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, सो मल्टीप्लाई 70x + 5 इक्वल टू, -5 आएगा, वेरी गुड। एटलीस्ट प्रेजेंट तो हो ना आप लोग, राइट? टेक 70x ऑन दैट साइड और दिस साइड, टेक 90x ऑन लेफ्ट साइड एंड 3+, सो यू गॉट हेयर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 8 upon -20, विच इज 4 2s are 4 5s are, सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी -2 upon, इज दिस क्लियर बच्चों? यस और नो? बेटा देखिए, ये कैलकुलेशन आपको आनी बहुत जरूरी है, बिकॉज सम टाइम जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, आ जाती है ना, 10/3 -10/3, 20/5, 20/5 तो चलो खैर आपका नंबर हो गया, मीन्स दैट कैन बी इन द फ्रैक्शन ऑल्सो, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इन द फ्रैक्शंस। एनी डाउट बच्चों इसमें किसी को? प्लीज टेल मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। सबसे पहले करेक्शन कीजिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है x x -4, सो दिस इज x -4/6 इज इक्वल टू 4x + 1 -, ठीक है बच्चों? अब यहां पे देखिए बेटा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिक्स्ड है यहां पे, कैन वी सेपरेट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट? इनिशियली तो नहीं कर सकते ना बेटा, बाद में सॉल्व करके कर सकते हैं। सो व्हाट यू शैल डू हेयर, फर्स्ट सॉल्व इट एज इट इज, टेक द एलसीएम ऑन द राइट साइड एंड देन सॉल्व इट, ठीक है बच्चों? राइट साइड में एलसीएम लीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है इसका।
हाँ जी, हो गया बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, डन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड? 1, 2, 3, 4, 5। ग्रुप्स में किया हुआ है बस। ठीक है जी, देखिए बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। लेफ्ट साइड सेम रहेगी बेटा, टेक द एलसीएम ऑन द राइट साइड। सो एलसीएम कितना आ गया? 2। प्लीज बच्चों लुक एट द बोर्ड। अगर आप लोगों ने करना है तो मैं 2 मिनट और दे देता हूं बेटा। यस, व्हाट यू वांट? शैल आई एक्सप्लेन और विल यू डू इट? जस्ट टेल मी इफ यू वांट टू डू इट, रेज योर हैंड। कोई नहीं करना चाहता है ना? ठीक है बेटा। सो आपने एलसीएम लिया बच्चे यहां से। सो मल्टीप्लाई, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। यू कैन डू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व इट। कीजिए बच्चों जल्दी से। अब तो इजी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और सॉल्व कर लो इसको। बेटा 10th B से फ्रंट बेंच वाला स्टूडेंट, जिसको मैंने पहले खड़ा किया। माइक पे आओ जरा आप, सेंटर वाला स्टूडेंट। या अपनी बुक्स उठा लो यहां से अपनी। हाँ नहीं, आप नहीं, आप बैठ जाइए बेटा, पीछे वाला स्टूडेंट बैठ जाइए फ्रंट बेंच। अपनी बुक्स उठा लो बेटा यहां से, और वो पीछे जो खाली सीट है ना उस पे चले जाओ जरा। हाँ जी, हाउ मेनी स्टूडेंट? डन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। इसको पहले सॉल्व भी करते जाओ साथ साथ अंदर। 8x+2 -3x, राइट बच्चों? सो ब्रैकेट ओपन की आपने, तो यहां कितना बन जाएगा? 8x -3x 5x+2 -10। ठीक है जी। सो दिस बिकम्स, राइट? सो नाउ सॉल्व दिस। यहीं पे कर देता हूं बेटा मैं। टेक 30x ऑन द लेफ्ट साइड, राइट? इक्वल टू -48 + 8।
सो हियर यू गॉट -10x इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल, जीरो आल्सो कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू बच्चों 4 आ गई, राइट? थर्टी हाँ जी, अच्छा टू एक्स माइनस सॉरी 40 30 है, एक्स। आई आई हैव टेकन दिस 20। -28x इक्वल टू -40, सो एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 28। -20/7 माइनस नहीं बेटा, प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। 4 times 7/4 आ रहा बेटा, 7/10/7। ठीक है जी, -40 -20 राइट बेटा, सो 10/7 -3x -10 -3x 5x -8 30x -48। हाँ जी बच्चे, 10/7, गॉट इट? किसी को कोई डाउट बेटा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू ट्राई, फोर्थ वन? प्लीज ट्राई द फोर्थ वन। हाँ प्लीज डू इट फास्ट, इसके बाद हम आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। एनी स्टूडेंट्स डन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड? नो वन? इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं है बेटा, जितना टाइम लगा रहे हो आप लोग।
देखिए बेटा, लुक एट द बोर्ड, आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। देखिए सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2। मैं इसको कट करके अगर ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है जी? कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस और नो बच्चों? बेटा इज इट क्लियर और नॉट? बस इसके बाद कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड पे आप एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब तो यही बचा है ना, लेफ्ट साइड पे आप एलसीएम ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हो जाएगा क्वेश्चन आपका, राइट और नॉट? चलिए जल्दी से कीजिए बेटा, फटाफट। हाँ जी बच्चों, हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड। वन ओनली, आई कैन सी ओनली वन हैंड रेज्ड। ठीक, गर्ल स्टूडेंट की आवाज आई थी यस की, उनका हैंड ही मुझे नजर आ रहा है। कौन है जी? प्रॉपर्ली बेटा, प्लेस योर हैंड्स प्रॉपर्ली। देर वर सम गर्ल स्टूडेंट, they were telling me they have done it. Who are those? No one. पीछे, अच्छा एक सेक्शन ए में मुझे एक स्टूडेंट नजर आई है, राइट बेटा? सेक्शन ए में एक और स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? बच्चे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। जस्ट आपने एलसीएम लिया, 4 3 12 माइनस 2z माइनस माइनस प्लस, राइट? एंड दिस इज बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी थी, 20 माइनस 2z मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी ना हमने, सो दिस बिकम्स एक 6z ऑन दिस साइड, सो दिस बिकम्स -10
जेड इक्वल टू 25 दैट इज 5/2। राइट बच्चों, क्लियर है सबको जी? इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए आगे आते हैं जी, न्यूमेरिकल्स पार्ट देखते हैं। देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो ना बच्चों, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है जी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट को कैसे हम डिनोट करते हैं जी? ओ से, ओ से करते हो, H1 से करते हो आप लोग? वेदर यू कैन टेक H1 और ओ, वन एंड सेम थिंग, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। नाउ व्हाट इज दिस 4 सेंटीमीटर? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो यू होता है, वी होता है बेटा ये, एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। इट्स इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट गिवन है बेटा 1 पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, साइन कन्वेंशंस पता है आपको हाइट की? बेटा साइन कन्वेंशन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यू नो इट और नॉट? आप बोलते ही नहीं हो बच्चे, यस नो कुछ तो बोलो ना। ये हमने मिरर बनाया था बेटा यहाँ पे, दिस इज मिरर। ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है जी, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे होता है बेटा। अबाउट द एक्स एक्सिस वी टेक पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे पॉजिटिव ड्रॉ करते हैं ना, 1 2 3, तो दिस इज पॉजिटिव। इफ इट इज डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड नेगेटिव होते हैं बच्चे साइंस, सो डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव लेते हैं। वेन एवर इमेज इज इन्वर्टेड, नोट कर लो बेटा, वेन एवर इमेज इज इन्वर्टेड हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव, हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। वेन द इमेज इज इरेक्ट, वेन द इमेज इज इरेक्ट, इमेज हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, इमेज की हाइट अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव होगी, अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव होगी। तो यहां पे क्या है बेटा, इरेक्ट, दैट्स व्हाई इट विल बी पॉजिटिव। अच्छा मैग्निफिकेशन का दो फार्मूले होते हैं बेटा मिरर के लिए, वन इज माइनस वी अपॉन यू, अनदर इज आई अपॉन ओ, यस और नो? नाउ व्हाट इज आई? तो आपके पास यहां से एम की वैल्यू आ गई बच्चों, हैव यू गॉट द वैल्यू ऑफ एम? अच्छा हमें फाइंड क्या करना था इसमें, फाइंड द फोकल लेंथ, जो जो चीजें गिवन है वो लिख ली है, और जो फाइंड आउट करना है उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा के लिखिए। इज दिस क्लियर? अब आपके पास फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला क्या होता है जी फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए? यस टेल मी व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट फोकल लेंथ? 1/f = 1/v + 1/u राइट, बट वी हैव ओनली यू, वी डोंट हैव वी, हु विल टेल मी हाउ टू फाइंड आउट वी? प्लीज रेज योर हैंड, कौन बताएगा कि वी को कैसे फाइंड आउट करना है?
वन टू सेक्शन ए से कोई नहीं बताएगा? हु विल टेल मी फ्रॉम सेक्शन ए? कोई भी आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ बेटा, प्लीज कम। फिर पहले हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, सही निकाल लिया बेटा मैंने, 1.5 आ गई। है। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सही ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे बच्चों, है। सही एम के दो फार्मूले हैं बेटा, दोनों का रिलेशन डेवलप कर लेंगे। आप इसको शॉर्टकट में करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो? कैन यू राइट दिस आल्सो? इज इट क्लियर? तो आपके पास एम की वैल्यू 1.5 थी सही है। सही राइट, और माइनस वी, वी फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? है। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, -4। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बेटा, फोर इंटू वन पॉइंट फाइव सिक्स सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया। यस सर। यहां तक कोई डाउट थी? से डाउन बेटा, वहां तक कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट को ये स्टेप क्लियर ना हो तो प्लीज टेल मी। मैंने ना थोड़े न्यूमेरिकल आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट सेलेक्ट किए हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना इजी हो। समझ में आ रहा है? तो Yes. आपके पास वी है और यू है, कैन यू कैलकुलेट नाउ एफ? 1/f इक्वल टू, की वैल्यू हमारे पास 6 आई, माइनस 1/4। अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन के इसको सॉल्व कर लो जी। -12। एलसीएम 12 आ गया बेटा राइट, सो 1/f इक्वल टू माइनस 1/12। एफ कितना आ जाएगा? सर ठीक है जी, यहां तो कोई डाउट? नो। चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जरा, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा। वी कितना आया हमारे पास और एफ कितना आया है? ये आ गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको अगर चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या रॉन्ग है, कैसे चेक करेंगे? कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू डू इट? हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखना जरा। ये आपका एनके मिरर आ गया, दिस इज योर पोल, दिस इज एफ, इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज यू? एफ कितना आया बेटा? दिस डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? यहां पे आ गया राइट और नॉट? यहां तो कोई डाउट? आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे बेटा। 4 सेंटीमीटर कहां पे होगा? अगर यहां तक 12 है मार्किंग, तो -4 यहां पे होगा ना, Yes. तो अब यहां पे इमेज कैसे बनेगी बेटा इसकी? ये हो गया, और दूसरी रे ये आ जाएगी बेटा। इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे, बैक साइड पे बन रही है बेटा, तो ये पॉजिटिव है, आपका वी पॉजिटिव आ रहा है बेटा, यस और नो? सो हमारा जो डाटा था सारा, वो डायग्राम पे सेटिस्फाई कर रहा है ना? समझ में आया बच्चे या नहीं आया आप लोगों को? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, देखो आपके पास वैल्यूज कैलकुलेट करके दीज डाटा आ गया, इससे आपने डायग्राम बनाया, तो एवरीथिंग इज ओके।
आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव साइड पे है, इमेज जो है वो इमेज कहाँ पे है, पॉजिटिव साइड पे है, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की साइज ग्रेटर है, यस और नो? सो एवरीथिंग इज इन सिंक, राइट? सब कुछ मैच कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8। ए कंकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ साइज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ध्यान से रीड कीजिए बेटा स्टेटमेंट, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल। किसी को भी बुला के मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज रीड इट केयरफुली। और पीछे वाले बेंचेस से मुझे कुछ खासा प्यार है, इसलिए वो लोग जरा ध्यान से पढ़ना है इसको। ऑल द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस, रीड इट केयरफुली। नो डिस्कशन, सेक्शन बी, लास्ट टू बेंचेस, 4 गर्ल्स, स्टॉप डिस्कशन। हाँ जी बच्चे, सेक्शन ए से आ जाइए, जहां पे मैम है ना इस टाइम, मैम के साथ वाला स्टूडेंट आ जाए पीछे से, थर्ड आ जाओ बच्चे। हाँ जी बेटा, लास्ट वाला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ आपको? अभी ये वाला रीड किया आपने? हाँ जी, मुझे बताएंगे क्या क्या गिवन है बेटा इस न्यूमेरिकल में? यू इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, यू इज इक्वल टू -5। और क्या गिवन है बेटा? हाँ जी, बस इतना ही पता चला। सिट डाउन। हाँ जी, सेक्शन बी, लेफ्ट रो में सबसे लास्ट, मतलब लास्ट बेंच पे दो लोग बैठे हैं, उसमें एक सरदार जी हैं, वो आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया आपको? माइक लो पहले हाथ में, आप यस सर। हाँ बोलो। हाँ जी, आ गए? जी। नहीं क्या क्या सर, गिवन है बेटा इसमें? सर नहीं अभी किया नहीं है सर ये वाला। कब करोगे बेटा? मार्च में एग्जाम के बाद? नहीं सर, कर रहा हूँ पीछे बैठा कब बैठा। कर रहे हो? हाउ मच टाइम यू रिक्वायर बेटा? सीरियसली, आपको 5-7 मिनट मिले हैं इसको रीड करने के लिए। स्टिल दैट टाइम्स नॉट सफिशियंट। सॉरी सर, लेके आओ शीट, किसी से यहीं पे लो शीट, लो यहीं पे किसी से बेटा। फ्रंट बेंच वाले स्टूडेंट, एक शीट दे दो इनको, रीड करके मुझे बताओ जरा क्या क्या गिवन है इसमें। सर 8th क्वेश्चन में गिवन है कि यू है 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, और बी बी में 2x साइज है, जिसका बी यू का 2x है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें? वी क्या होता है बेटा? इधर देख मेरी तरफ, वी क्या होता है? इधर वी यू इधर मेरी तरफ, उसको छोड़ दे, उसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज वी? उसमें नहीं मिलेगा बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। सर वी यू का डबल और यार मैं पूछ रहा हूं, वी होता क्या है? है, वी होता है सर इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। और यू? यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस।
अच्छा तो कैसे करेंगे इनको कोरिलेट कैसे करेंगे फिर न्यूमेरिकल के लिए? सर इसको इक्वेशन बना लेंगे इसकी, लीनियर इक्वेशन अच्छा फॉर्मूला। बैठ जाओ जरा, सिट डाउन। हाँ जी देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, एवरी वर्ड हैज सम मीनिंग, व्हेन एवर द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है अपराइट, राइट? एंड वर्चुअल इमेज ऑफ साइज ट्वाइस मीन्स साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज H2 अगर हम ले रहे हैं सो दैट इज इक्वल टू 2H1, राइट और नॉट बच्चों? और इरेक्ट है तो इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपका एम कितना आ जाएगा? एम आ गया +2, यस और नो? सो एम आ गया बेटा, यहां से आप यू और वी में रिलेशन निकाल सकते हैं। -v/u इज इक्वल टू, अब ये u की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो v कितना आ गया बेटा? अब जल्दी से फोकल लेंथ निकालो जरा इसकी, -10 आ रही है, चेक कर लेते हैं जी एक बार। u कितना है? V is, तो F आ जाएगा बेटा, F इक्वल टू, कितना आ गया? इसका भी डायग्राम जो है पिछले वाला केस बनेगा बेटा, सेम केस बन रहा है ना? चलिए, किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? अच्छा अभी आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, और क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ द इमेज, हाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, कौन बताएगा? ओ बच्चों ऑलरेडी वी फाइंड तो कर चुके हैं हम, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है? V which is 10 सेंटीमीटर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन लेंसेज। द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। हाँ जी हीरा लाल, हु इज हीरा लाल? हाँ जी हीरा लाल इज देयर, आ जा बेटा आ जा, कैमरे में आ जाओ जरा, थोड़ा सा मुझे नजर आए। हाँ जी फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स लेंस की बेटा, वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव? कैन यू टेल मी? हाँ जी, हाँ सर बिहाइंड द मिरर। जी पॉजिटिव होती है बेटा वो, वेरी राइट। ठीक है बेटा बैठ जाइए। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंसेज 25 सेंटीमीटर, सो एफ इज +25, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू फाइंड आउट करना है बेटा, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, सो यू हैव टू फाइंड यू, ठीक है? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, अगेन एम इज गिवन, एम 2 गिवन है बेटा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी हो गई,
सो एम विल बी प्लस टू. नाउ यू कैन फाइंड आउट वट यू कैन फाइंड आउट यू एंड वी में रिलेशन. देखिए कैसे करेंगे बेटा. नाउ लेंस के केस में एम क्या होता है बेटा, वी अपॉन यू. तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, टू यू. सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, लेंस फॉर्मूला इज 1/f = 1/v - 1/u. इन प्लेस ऑफ वी पुट टू यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, 25. अब मुझे इसको सॉल्व करके दिखाओ इस इक्वेशन को बेटा, प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन. हाँ जी बच्चों, हो गई सॉल्यूशन. देखिए बच्चों कैसे सॉल्यूशन आएगा इसका. सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ टू यू एंड यू, इट विल बी टू यू, हियर 1 माइनस. इज इट क्लियर, इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट बच्चों बेटा, यस और नो. सो आगे क्या आंसर आ जाएगा फिर, -1/2u, 2u = -25 एंड u = -12.5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? यस यहां तो कोई डाउट और भी कुछ पूछा होगा इसमें, ओनली यू दे आवाज फॉर. इज दिस क्लियर बच्चों? एनी डाउट बेटा कॉन्सेप्ट में, कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस. किसी भी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो. यस स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? अब आपके पास दो क्वेश्चन लेफ्ट ओवर हैं, 10th क्वेश्चन एंड मैथ वाले क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन लेफ्ट ओवर है? सिक्स सिक्स क्वेश्चन. सो यू शैल डू दीज टू क्वेश्चन योर सेल्फ, राइट बच्चों? स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली. क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? बाकी बच्चे आप लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी मोर क्लियर. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट टीचर्स. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम.